आज गांव में मासरजा में बुच्चो हलका से लोजपा उम्मीदवार किरणजीत सिंह गहरी की रैली रखी गई, जिसमें पार्टी के महासचिव ज्ञानचंद गौतम ने गहरी के लिए वोट मांगे। शक्ति पार्टी के पंजाब प्रधान सरदार किरणजीत सिंह जी गहरी साहब पहुंच चुके हैं ते समुची लीडरशिप पहुंच चुकी है उन्हां दे नाल दिल्ली दी धरती तो चल के अज संगतां नूं संबोधन करन वास्ते पहुंचे मेरे अति सत्कारयोग लोक जनशक्ति पार्टी दे कौमी जनरल सकत्तर ज्ञानचंद जी गौतम ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓ ਆਇਆ ਜਿਓ ਆਇਆ ਜਿਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਸਾਥੀਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਸੀਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੇ ਵਸੀਹ ਦੀ ਗਹਿਣੀ स्टेज पे विराजमान है मेरे वीर जेड़े पिछले पासे बैठे ने कुर्सियां खाली पियां कृपा करके अगे आ जाओ अगली कुर्सियां आ जाओ उठ के साथियों हाथ मार के बेनती है शानदार आलोचना करो। मैं किरणजीत सिंह गहरी प्रधान लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब प्रदेश अज जो महमा साहबजा के पिछे रैली हो रही है ये रैली लोगों की अपने दिलों रैली है क्योंकि दूसरिया पार्टिया दियां रैलियां है अज होर वो भी हो रही हैं वो पार्टियां रैलियां के उत्ते लोगों को दिहाड़ी ते लेके जांदे ये जिहड़े लोग आए है अपने दिलों आए है अपने साधनों से चल के आए है लोक जनशक्ति पार्टी की रैली है और मैं पुछो हल्के तो चोण लड़ रहा अज तक इस हल्के तो जिन्हें भी उम्मीदवार चोण लड़े ने तो उन्होंने उम्मीदवार के मुकाबले मेरे संघर्ष देखते हुए लोग पुछो हल्के मेरे नाल खड़े ने और मैं बैटरी चोन निशान से चोन क्यों लड़ रहा क्योंकि पार्टी का बंगला चोन निशान मेरे नाल धक्केशाही करके इन्होंने जब्त कर लिया तो मैं बैटरी चोन निशान से ये जी चोन है वो लड़ रहा और पुछो हल्के 70 साल के दौरान कांग्रेस ज अकाली दल के MLA बनते रहे पर इस हल्के मैं देख रहा हस्पतालों के डॉक्टर नहीं स्कूलों के मास्टर नहीं कोई फायर स्टेशन नहीं कोई भी सहूलत नहीं है तो मैं जिते पुछो हल्के के लोगों को यह विश्वास दवाया है कि अगर मैनू पुछो हल्के के लोग समर्थन देंगे ने 55,000 वोट इतने दलित भाईचारे नाल संबंधित है दलित भाईचारे की वोट है तो मैं 28 साल तो दलितों किसानों छोटे मुलाजमान हर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रहा तो मैं अज भी लोगों को कहा है कि जे मैं MLA बनना सब तो पहला काम करांगे हस्पतालों डॉक्टर पूरे करांगे स्कूलों के मास्टर पूरे करांगे रूड़ियां लाने वास्ते जगह नहीं हैगी लोगों को मुहैया करावांगे हर पिंड दे विच खेड़ स्टेडियम होएगा और किसानों के फसलों का किसान के मजदूर का खुद का बीमा होएगा ये गलों नूं लैके मैं चोन लड़ रहा 6-7 साल लगातार संघर्ष करके 70 साल की गुलामी लाल लखीर नूं खत्म किया और जिहड़े लोग बिना रजिस्ट्री तो घरां दे विच बैठे सी 30 दिसंबर नूं एक नोटिफिकेशन हो गया उहदे मुताबक सारे घरां नूं रजिस्ट्रियां जिहड़ियां हैगियां बिना पैसे तो तहसीलदार घर आ के दे के जाएगा ਨਾਲ SC ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਨਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੋਈ 250 ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ।